वाहेगुरु जी का खालसा ते वाहेगुरु जी की फतेह। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, वंदे विष्णु, सलाम वालेकुम। सहन जी, अज मैं न्यूज़ देखी कि वैसे ये खबर पहले भी मैं सुनी सी कि जदों जड़े भागेश्वर धाम दे विच जड़े प्रवचन करते हैं धीरेन्द्र शास्त्री। सो बहुत साढ़े पंजाबी सिख है जड़े इस चीज़ नू बड़ा अपमानजनक समझते कि ठगी ढोंगी या चोर बाबा। देखो मैं भी बाबिया बूबिया ते बिलीव करने वाली लेडी नहीं है। जड़िया बुढ़िया बीबिया पुछा देने वाले बाबिया ते चल जांदियां, वीरवार चौंकियां भरन चल जांदियां, दरगाहां ते जाके साडियां ही सिख बीबिया जाके अगरबत्तियां लांदियां चौंकियां दिंदियां, लैची लुचियां वाले बाबे कोल चल जांदी है, कोई अगरबत्तियां वाला बाबा है, कोई काहदा बाबा है। सो मैं इस चीज़ से बिल्कुल भी बिलीव नहीं करती है। मेरा बिलीव सिर्फ उस उपर परमात्मा नाल है जो बड़ा बेअंत, जिन्हों कदी किसी ने नहीं देखा, जिदा रूप कदी किसी ने नहीं देखा, वो इको ही परमात्मा है। असि इंसान इन्ने पवित्र नहीं है कि साडे च देवी माता आन लग जाए, बाबे आन लग जाए। सो जे मैं गल करांगी भागेश्वर धाम दे धीरेन्द्र शास्त्री, काफी लोगों ने उन्होंने पॉइंट किया कि हाँ इंद्रजीत निकू भी उत्थे पग बन के गया, क्यों गया? देखो पग तो जो कोई भी कलाकार या कोई भी सिख बंदा पग बनता, पग बन के कितने भी जा सकता है। ये कितने लिखा नहीं कि तुम पग बन के किसी क्रिश्चन दे चर्च च नहीं जा सकते, नो नो नो, इतने तुम सारे गलत हो। सो जे तुम कहो भी वह कोई पुछा वाला बाबा है, भागेश्वर धाम वाला धीरेन्द्र शास्त्री, वह कोई पुछा पुछा देने वाला बाबा नहीं है। हाँ वह गल्लां बहुत वधिया करता, मैं वो काफ़ी वीडियोस देखे है, फॉलो कर दी हैं, सुन दी हैं, कई बार बंदा रोन लग जाता है। देखो वो तुसी किसी ते भी उंगल चक्कन तो पहला, ब्लेम करन तो पहला, पहले बंदे नू चेक करो, फॉलो। वो कोई औरतां दा, कुड़ियां दा, लोकां दियां धीआं दा शोषण नहीं कर रहा, वो लोकां नू इंसानां नू इंसानां दे नाल जोड़ रहा अपने सही प्रवचन नाल। सो प्रवचन करना बुरी गल नहीं है। जे तुहानू तुहाडे कोल कोई बहुत अच्छा टॉपिक है या तुहाडे कोल बहुत अच्छा मैटर है, तुहानू लगता है कि आ कोई फलाना बंदा गलत राह ते पिया है, पर जे इहनू बह के मैं नाल गलबात करा, जिहनूं आपां काउंसलिंग कह दिंदे, भी हो सकता है बंदा सही राह तों वापस, जे बंदा काउंसलिंग ही कर रहा जी लोगों की। सो जे आपां ब्यास वालियां दी गल करिए, बहुत साडी जट फैमिली है, एक नू एक दो मैं भी जानती हूँ इतने जो ब्यासी बने हुए हैं, तो उन्होंने कई कहते लै यार तुम ब्यास वाले नाल जुड़ गए, ब्लास ब्यास वाला फलाना। देखो जी ब्यास वाले भी प्रवचन ही देंगे, अच्छिया अच्छिया गल्लां सिखाते हैं, लोगों को कहें कि चंगे मार किते चलो, तो इतने इस माड़ा की गल है, मैं समझ नहीं आई। हाँ तुहानू वह बाबे बड़े पसंद है लोगों को, जेडे बाबे पुछा देन, धोनिया देन, तो कहने आला बेबी फू मंत्र मारता, जेड़ा पर्पल शैंपू वाला साडा बाबा है, फू लैचियां वाला ला चक लैची दुध च पिया दे, बंदा तेरे वास छोजू फलना कर दे। इदां दे लोकां तो मैं टोटली हेट करती हाँ। जड़े बंगाली तांत्रिक मियाँ सुलेमान जी जी वशीकरण, बड़िया एड टीवी ते भी पेपर चाहिए, मैं एव जे बंदे दा जी करदा भी छित्तर ला ला ते मार मार सिर गंजा करदा। पता नहीं साडा कानून अलाउ किवें करदा है, पंजाब दे विच जिन्ने भी बस स्टॉप है आसे पासे मियाँ बंगाली जी फलाना तांत्रिक, साडियां ही जट्टा सिखां दियां बीबियां झोले चाके कहिंदियां जी दवाई लैन चलियां शहर नूं, उत्थे बस अड्डे उतरदियां, बस अड्डे उतर के ही बस अड्डे तो ही तांत्रिक कोल जाना, तबीयत कराउणा जी मेरा पुत्त वास च रवे, रोण नौ दिन सुने नौ जाऊगी जी, मेरी हसबैंड वास च रवे, सस सहुरिआं दे नाल सुने। तुसी नोटिस करो पंजाब दे विच जिन्ने इदां दे तांत्रिक दे भी ऑफिस है ना, ये सारे बस स्टैंड दे कोल टारगेट है, ताकि बीबियां नूं शहर चाके जगह लभनी ना पवे, भी पेंडू बीबियां ते बस स्टॉप ते उतर के उन्हां कोल जाण। किन्ने ऐसे तांत्रिक मियां बंगाली फलाना तेंकड़ा वशीकरण किन्ना औरतां दा शोषण करदे आ, तुहानूं पता है गल कि औरतां सारी उम्र अपने बंदे कोल अपना मूंह नहीं खोलन जोगियां रहिंदियां, क्यों? भी जे बंदे नूं पता लग गया मैं फलाने तांत्रिक गई सी तो उन्हें तो मेरा शोषण कर सकया, मेरे नाल रिलेशन बना ले मेरा बंदा तो मैं वड दूगा, सारी उम्र मुंह ही बंद कर लेंदियां। कई बीबियां मुंडे होने के चक्कर च तांत्रिक कोल जांदियां, मेरे मुंडा हो जाए मुंडा, यह नहीं पता हुंदा कंबख तो मुंडा वाकई तांत्रिक दा ही जम्मिया होना, बंदे का होना ही नहीं डीएनए। सो जे कोई इस दुनिया के ब्यास वाले ला लो, तुसी धीरेन्द्र शास्त्री भागेश्वर धाम वाला, जे कोई अच्छे प्रवचन कर रहे हैं, वो अच्छे शब्द बोल रहे हैं और लोगों का लोगों के मन में उनके शब्दों का प्रभाव पड़ रहा है, लोग बुरा काम छोड़ के बुरा रास्ता छोड़ के उनके बताए हुए मार्ग पे चलते हैं, तो मुझे इसमें कुछ बुराई नहीं लगती भाई, इसमें कुछ भी बुरा नहीं है।
अब मैं बहुत ऐसे कुछ बच्चे मिलते हैं, उनको बहुत अच्छी बात समझाती हूँ, वो बोलते हैं कि दीदी आपने मेरी लाइफ ही बदल दी, आपने ये बात बोली थी हमारी समझ में आ गई, एदा मतलब मैं पूछा वाला कोई बाबा या कोई देवी माता होगी। हुन गल करांगे राधे मां दी, राधे मां निरा ढोंग है ओ जनानी, जमाने भर दा ढोंग है, 60 किलो मेकअप ओहदे बूथे ते, वन सवनिया ड्रेसा पा लैंदे, अलूल जलूल हरकतां करदी है। सो ओनू राधे दे नाल जिहड़ी तुसीं मां लाता, ओ राधे मां दा शब्द भी, ओ राधा मां मतलब राधे मां श्री कृष्ण जी दी राधा, वह भी अपमान कर रही है। तुसी लोकां ने किन्ने में सिख दिखावा श्री साहब गात्रा पाके राधे मां दे उत्थे डांस कर रहे, किन्नी वीडियो वायरल हुई सी, की करोगे उन्हां नूं, उन्हें गात्रे लवा लोगे तुसी। सो असीं किसी भी धर्म के बंदे नूं किसी भी गुरु पीर देवी देवता तो मनन तो रोक नहीं सकते हैं। हुण आपां गल करदे हां आह दिल लगी कुड़ी गुजरात वाला सिंगर जस्सी दी। सो जस्सी दी बड़ी वीडियो वायरल हुई है, की है ता नाम जसपाल जस्सी, आई डोंट नो फुल नाम की है, मैनू सिर्फ जस्सी याद है, क्योंकि इज माई फेवरेट सॉन्ग दिल लगी कुड़ी गुजरात दी दिल लगी। सो जस्सी ने कहा कि ये लोग जिहड़े सिंगर आ कलाकार आ ये बढ़ावा दे रहे हैं पीर फकीर की दरगाहों नूं, जे विच उन्होंने बाबा मराशा भी दरगाह उन्होंने की कि साडे सिंगर उन्होंने एडवरटाइजमेंट कर रहे हैं, सिखा जट्टा दे बच्चे दरगाहों ते जा रहे हैं। चलो ये गल बिल्कुल ये गल मैं थोड़ी सही भी लगी कि गुरु मान्यो ग्रंथ, साडे वास्ते तो ग्रंथ साहब सब तो वड्डी चीज़ आ, उन्होंने उत्ते तो कोई चीज़ ही नहीं है। तो जे हुण साडे जट्टा सिखा दे बच्चे ग्रंथ साहब नूं छड्ड के पीरां फिरां दे दरगाहों ते फिरदे आ, झले हुए फिरदे, ये गल सच कही उन्होंने कि वाकया वो डिप्रैशन का शिकार है, क्योंकि तुहानूं एक काउंसलिंग करन वास्ते कोई चाहीदा हुंदा। हुण साडे गुरु घरां दे विच इत्थे जे मैं फॉरन की गल करदी आ तां इत्थे कोई भी एक ऐसा भी बाबा नहीं है भी जिहड़ा बह के जिहदे कोल 15-20 बंदे गुरुद्वारे गए आ उन्हां चों 3-4 सैड है, डिप्रैशन है, बाबा जी ना बैठन, बाबा जी एक दीवान लाउण, गल्लां बातां करन, वह लोग अपने दुख सुख सुनाउण, फिर बाबा जी उन्होंने दुखां दा उच्चारण अपनी बाणी ना करन, ना कि जादू टूने तवीतां नाल, फिर बंदा थोड़ा रिलैक्स हो जाता, बंदा गुरु घर फिर दुबारा भजदा भी यार मैं बाबा जी ने अज दसना भी मेरे मन च आ बोझ आ गल आ, बाबा जी मैनूं सही। बाबा भी इदां दा होना चाहिए फ्रेंडली, बाबा भी इदां दा नहीं होना चाहिए जिहड़ा कहे मैं बाबा पता नहीं की एटीट्यूड है मेरे च की चीज़ है, फ्रेंडली जिहड़ा इंसानियत नूं समझे, चाहे बंदा उहदे नाल गल करे चाहे कोई औरत करे, बड़ी सहज नाल गल सुने ते सहज नाल जवाब दे। सो ओ इस टाइप दे बाबे नूं असीं कौंसलर कह सकते भी कौंसलिंग करते हैं ये। सो जदों साडे सिखां दे बच्चों नूं कोई सही राह मार्ग वाला नहीं कोई मिलता, वह डिप्रैशन हुंदे आ भटके हुंदे आ, वह फिर पीरां दी दरगाहां ते शुरू कर देंदे जाणा कि हाँ शायद सानू इत्थे एक मौलवी बैठा पुछा दिंदा सानू इतों राहत मिलेगी। इंसान सिर्फ राहत लभदा है, दो पल दी सुकून ते राहत, वह राहत वास्ते अड अड धर्मां दे दरवाजे जांदा, जिद्दां क्रिश्चन आपां गिरजा घर च फादर एक रूम जिच बैठा हुंदा जिथे ला जाके मुजरिम आपां कन्वेंस करदा कि मैं आ कीता मेथों आ गलती हुई है फादर, मैं आए किया, फादर एक ओले पर्दे दे ओले हुंदा रूम च, वह सारी गल सुनदा है, मुजरिम की शक्ल नहीं देखता भी मैं क्यों देखा भी कौन है, तो फादर नूं सही राह चलन ते कहिंदा है, वह बड़ा सुकून दिंदियां चीज़ां। साढ़े गुरुद्वारे दे विच सिर्फ लंगरां पिछे लड़ाई, ग्रोसरियां पिछे गलियां पिछे, हुण खालिस्तान दे झगड़िया पिछे मरे गले दे अद्धे कहिंदे फोटोआं टंग दियां कंधां ते अद्धे कहिंदे फोटोआं लाओ, इस चक्कर दे विच ना खालिस्तान दी मुहिम दे चक्कर च लीरियां लीरां साढ़े झंडे ला दो जी, साडा इन्ना पवित्र निशान साहब मूहरे तुसीं थले खालिस्तान लिख के वह तुसीं अपमान कर रहे हो। सो गुरुद्वारे दे अपने गलियां दे पिछे बच्चे जिहड़े नौजवान बच्चे आ इत्थे कनेडा अमेरिका च आ रहे इंग्लैंड च आ रहे उन्होंने गुरुद्वारे जो डिप्रैशन च है डिप्रैशन का शिकार है गुरुद्वारे सुकून नहीं मिल रहा कोई उन्होंने टेंशन नहीं सुन रहा कोई उन्होंने गल नहीं सुन रहा कोई गुरुद्वारे च एक बंदा बैठा उनकी कौंसलिंग नहीं कर रहा बच्चे ने गलत राह पे पैना है कौंसलिंग करनी बहुत जरूरी आ। मैं अपने मूँह मियाँ मिठू नहीं बनूंगी मैं अपनी लाइफ च इन्ने क स्टूडेंट कुड़ियों की कौंसलिंग की आ इन गलों समझाइया जिहड़े तो समझ गए वो अज सौखियां वसियां कुड़ियां पर जिहड़ियां नहीं समझियां वो अज भी दुख पा रहे हैं। सो कई बार मैनू भी जरूरत पैंदी है लाइफ च कि यार मैं बड़ी अपसैट है सैड आ मेरी कोई कौंसलिंग करे मैं अपनी मां नाल अपनी सारी गल शेयर करदी हाँ मेरी मां मेरी कौंसलिंग कर देंदी कि नहीं इदा नहीं बेटा आए हुंदा दुनिया आए चलती है ये फलाना हर एक इंसान नूं जरूरत पैंदी आ। सो आई थिंक कि जिहड़ा धरेंद्र शास्त्री है भगवेश्वर धाम वाले ही डूइंग अ गुड जॉब जे मैं कहां राधा स्वामी वाले है सत्संग वाले है ब्यास वाले ही डूइंग अ गुड जॉब। सो ये लोग अच्छी जॉब कर रहे लोगों को सही राह पा रहे इन्हों के मजाक उड़ाने तो बजाय। एक और बाबा जी बड़े वायरल है टिकटॉक से साढ़े सिख बड़े जा रहे उन्होंने को
ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੀਲੀ ਜੀ ਉਹ ਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਟਿੱਕਾ, ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦਾ ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਰੀਲ